खबर अब उज्जैन से। उज्जैन के कलमूड़ा गांव में खुदाई के दौरान 1000 साल पुराना शिव मंदिर मिला है, जिसके बाद पूरे गांव में लोगों का लगातार आना जाना जारी है। पुरातत्व विभाग के साथ रिसर्च स्टूडेंट्स भी यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर स्थित कलमूड़ा गांव इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ खुदाई के दौरान एक ऐसा मंदिर मिला है जो करीब 1000 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर को बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। पुरातत्व विभाग के लोगों को खुदाई से भगवान विष्णु, ब्रह्मा और हरिहर की मूर्ति के साथ साथ पीतल और तांबे की मूर्ति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये जो मंदिर है पंचरथी मंदिर है। पंचरथी मंदिर होने के साथ साथ पूर्व मुखी है और इसी के जस्ट उत्तर दिशा में जो है वहाँ पे एक बावड़ी भी है और यहाँ पे दो मंदिरों के एविडेंस मिले। एक मंदिर के एविडेंस ऊपर हैं जिसको कि अभी मुझे बाद में कंफर्म करूँगा, लेकिन 99% वो है एक और मंदिर एविडेंस। और ये मंदिर पूरा लगभग 90% एक्सपेक्ट हो चुका है ये चीज़। और लगभग 1 तारीख से संस्थान द्वारा डॉक्टर वी एस वाकणकर पुरातत्व संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग की माने तो ये मंदिर परमार वंश के शासक राजा उदयदत्त के समय का है, जिनका राज्य 1055 ईस्वी से 1086 ईस्वी के बीच रहा है। और यहाँ पर जो है जो मंदिर जो दिखाई दिया है वो राजा उदयदित्य के समय का, जो 1055 से लेकर 1086 के बीच में जिनका राज रहा है और जो परमार वंशी शासक थे। और ये नागर शैली स्टाइल का मंदिर है। इसमें जो प्रवेश द्वार का है, अंतराल है, गर्भगृह है, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पीठ का भी है, नंदी भी प्राप्त हुई है, शिखर के बहुत सारे भाग है। 20% इसके जो शेष भाग प्रावशेष बचे थे वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारे ऊपर का भाग है, आमलक है, अमलसारी का है, कला से ही सारे टुकड़े जो है दिखाई दे रहे हैं। और ये निश्चित है ये हमारे इतिहास के गौरवशाली परम्परा का द्योतक है। मंदिर के अवशेष मिलने की खबर सुनकर शोधार्थी भी यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि मंदिर के इतिहास और निर्माण शैली के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इसमें स्थापत्य दिखता है कि प्राचीन मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे और आधुनिक मंदिर और प्राचीन मंदिर में मतलब डिफरेंस दिखाई देता है, जो कि सर ने जो बताया कि उसको बनाने का तरीका विधियां भी उसमें होती थी कि वो किस टाइप से बनाए जाते थे। तो प्राचीन और न्यू में अंतर दिखा के ये जो मंदिर सर ने बताया ये शिव मंदिर मतलब बताया गया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व तो है ही, यहाँ मंदिरों का निकलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी महाकाल मंदिर परिसर से 1000 साल पुराना मंदिर निकला था। पुरातत्व विभाग फिलहाल अभी इलाके की खुदाई कर रहा है ताकि मंदिर के अवशेषों को बाहर लाया जा सके और इसका जीर्णोद्धार हो सके। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।